और आज यही जनरेशन जब बड़ी हो गई है तो अपने फिल्मों में उन्हीं बुजुर्गों को, उन्हीं पेरेंट्स को ये गालियाँ देते हैं कि भाई इस पूरी जनरेशन का ही दिमाग खराब हो गया है। हाँ भाई, गलती कर दी उन्होंने, उन्होंने आपको। ओम नारायण 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 नारायण, वेलकम होम। मैंने कहीं पर सुना कि भाई ये इस वर्ष की सबसे बेस्ट हॉरर फिल्म है, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि भाई क्या है आखिर ऐसा इस फिल्म में। तो मैंने देखी वेलकम होम सोनी लिव पर, कुछ ही दिन पहले वहाँ पर ये फिल्म रिलीज़ हुई है। डायरेक्टेड बाय पुष्कर मावर, रिटन बाय अंकिता नारंग। इस फिल्म को देखने के बाद में जो बात सबसे पहले हमारे मन में आती है वो ये कि किस विक्षिप्त मानसिकता के साथ में ये फिल्म बनाई गई है। इसे मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस कहूँगा। ये फिल्म सामने जो सब्जेक्ट रखती है वो है महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार है, जो रेप जैसे जघन्य अपराध है, इस सब्जेक्ट को सामने रखती है, पर उसकी आड़ में अपना प्रोपगेंडा ये फिल्म स्प्रेड करती है। यानी अपना प्रोपगेंडा स्प्रेड करने के लिए ये फिल्म रेप जैसे जघन्य अपराध का यूज़ करती है, और ये बात और भी ज़्यादा भयानक है, डीपली प्रॉब्लमेटिक है और चिंताजनक है। और एक लाइन में अगर इस फिल्म का मैं रिव्यू करूँ तो एक वन लाइनर कहानी स्टोरी जिसको जबरदस्ती 2 घंटों तक खींचा गया है, और ऊपर से सारे के सारे कैरेक्टर्स वन डायमेंशनल, सारे ब्लैक एंड व्हाइट वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स, उसमें कोई लेयर्स नहीं, और ऐसी वन लाइनर कहानी, वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स, उनको जबरदस्ती 2 घंटों तक खींचा गया है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में जो फिल्म में दिखाया गया है उसे कंप्लीट किया जा सकता था, कुछ है ही नहीं। इतनी प्रिडिक्टेबल कहानी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। शुरुआत में ही जब ये जो दो फिल्म के जो लीड कैरेक्टर्स हैं अनुजा और नेहा, वो जब उस घर में जाते हैं, वहाँ पर जो हम एक निशान यहाँ पर देखते हैं, प्रेरणा के गले पर लगा हुआ घाव देखते हैं, उसे देखकर ही कोई भी जिसने थोड़ी बहुत भी बॉलीवुड की फिल्में देखी है ना, कोई भी व्यक्ति गेस कर लेगा कि फिल्म, ये फिल्म क्या दिखाना चाहती है और वहाँ तक भी जाने की क्या आवश्यकता है। उसके पहले ही फिल्म के शुरुआत में ही जो टोन हमें फिल्म का देखने को मिलता है ना, जो भी जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को लिखा गया है, दिखाया गया है, वो देखकर ही कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि फिल्म आगे क्या दिखाने वाली है और या फिल्म आगे कहाँ जाने वाली है। और स्लैशर फिल्म्स एक तो मुश्किल से कुछ दो तमिल फिल्म्स है, एक राक्षसन और एक साइको वगैरह, ऐसी कुछ फिल्में हैं जिनमें कह सकते हैं कि हम ये स्लैशर फिल्म्स हैं, पर ये फिल्म तो उस जॉनर का अपमान करती है, स्लैशर फिल्म का भी और हॉरर फिल्म का भी। हाँ, मैं इस फिल्म को हॉरर ज़रूर कहूँगा, पर फिल्म के कंटेंट को नहीं, इस फिल्म मेकर्स की मानसिकता को देखकर ज़रूर मुझे डर लगा, ये मैं कहूँगा। चलिए कहानी की हम बात करते हैं। फिल्म में दो मुख्य पात्र हैं, अनुजा और नेहा, मैंने आपको बताया। अनुजा राव मूल हैदराबाद से है पर बचपन से ही पुणे में रही है, मराठी उसको बोलना आती है। उसकी उसका विवाह होने वाला है, और उसका फियांसे है जो जिसके साथ उसका विवाह होने वाला है, उसको बहुत ही डोमिनेंट दिखाया है, वो हर प्रकार से उसको दबा कर रखने का प्रयास करता है अनुजा को, और मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ये चुना है, ऐसे प्रोग्राम हम करने वाले हैं, तुम्हें मेरे हर प्रोग्राम के लिए आने वाला आना ही पड़ेगा, ये क्या फालतू को तुम नौकरी की बात कर रही हो, क्या हो गया तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है तो छोड़ दो तुम उसको, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट उसको दिखाया है। इसके अलावा अनुजा की ही जो पिता है वो तो और भी ज़्यादा एक दरिंदा राक्षस उनको दिखाया है, अपनी बेटी को मतलब कोई अपने दुश्मन से भी बात न करे ऐसे वो अपनी बेटी से बात करते हैं, अनुजा के पिता। इसके बाद में नेहा, उसका एक भाई दिखाया है, परिवार तो नहीं पर भाई दिखाया है, और उस भाई के हाथ में जो भगवा कलावा है, तो बहुत पतला है, एक इतना मोटा ऐसा भगवा कलावा वो पहने हुए दिखाया है उसके भाई को, और कैमरा बराबर एक क्लोजअप शॉट भी रहता है उसके भगवे कलावे पर। वाह ये बहुत आवश्यक था ना कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, क्लोजअप शॉट लेना भगवे कलावे का। तो वो जो भाई है नेहा का, वो भी एक बहुत बड़ा दरिंदा है, राक्षस है, और बहन के साथ में ऐसे बात करता है जैसे कि वो बहुत, क्या कहूँ, मतलब कोई क्रिमिनल के साथ भी ऐसे कोई बात न करे ऐसे वो अपनी बहन के साथ में बात करता है या उसको ट्रीट करता है। तो सो कॉल्ड पेट्रियार्की का शिकार इन दोनों कैरेक्टर्स को फिल्म में दिखाया है, और केवल यही नहीं, ये दोनों कैरेक्टर्स फिल्म में आगे बातें भी करते हैं कि उनकी जो माँ है उनको उनके पिता कैसे मारते थे, कैसे जानवरों की तरफ मारते थे। तो अनुजा कहती कि भाई मेरी माँ तो मेरे लिए खड़ी भी रहती थी, पर नेहा कहती कि भाई मेरी माँ तो कुछ बोल भी नहीं पाती थी। जितने भी पुरुष फिल्म में हैं उनको बस ऐसे ही दरिंदा
अत्याचारी दिखाया है कि भाई भारतीय समाज पेट्रियार्कल होता है, ये दिखाने के लिए। ये दोनों ही पात्र एक सरकारी स्कूल में टीचर है। अनुजा अभी अभी ज्वाइन हुई है, नेहा वहाँ पर पहले से है। अनुजा ज्वाइन करते ही वहाँ पर एक जोशी सर करके एक कैरेक्टर है जो वहाँ की महिला टीचर्स को परेशान करता है, ऐसा बताया है। अनुजा जाते ही पहले दिन वो जोशी सर उसके सामने आकर बैठते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं, कोई भी ज़रूरत हो तुम्हें तो मुझे बताना, रात को भी अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना, इस प्रकार से वो अनुजा को परेशान करता है। अब इन दोनों को मिलता है जनगणना का काम। ये दोनों जाते हैं एक अलग अलग घरों में, और एक घर शहर से बहुत दूर हो, मतलब गांव में ही होते हैं वो दोनों, पर उस गांव से भी और ज़्यादा दूर एकदम सुनसान जगह पर एक घर होता है। ये दोनों कैरेक्टर्स वहाँ पर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही हमें दिखाई जाती है एक गौ माता, एक गाय शेड में बंधी हुई है। अब इस गाय को फिल्म के एंडिंग में जला दिया गया है। कौन जलाता है? अनुजा का ही कैरेक्टर उस गाय को जिंदा जला देता है। उस सीन को जस्टिफाई करने के लिए, गाय को जलाने को जस्टिफाई करने के लिए, ये फिल्म रेप जैसे जघन्य अपराध का यूज करती है। आपने तो सुना होगा हमारे देश के जो लिबरल्स है, सेक्युलर्स है, कम्युनिस्ट है, फेमिनिस्ट है, हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई इस देश में गाय सुरक्षित है पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दो बिल्कुल ही अलग अलग बातें जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, पर इनके मन में गोवंश के लिए इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ है कि वो दो बिल्कुल अलग बातों को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गोमाता की पूजा करता हो और साथ में ही वो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को सपोर्ट करता हो, पर जबरदस्ती दोनों बातों को इनको एक दूसरे के साथ में जोड़ना है। यानी इन लोगों के अनुसार गाय तो जानवर है ही नहीं भाई, गाय को तो काट कर रस्ते पर बीफ फेस्टिवल मनाने चाहिए, और ये मनाते भी है, गाय को काट कर रस्तों पर बीफ फेस्टिवल मनाते हैं, उनके वो मांस के टुकड़ों को ऐसे पकड़ कर फोटो खिंचवाते हैं। पर दूसरी तरफ यही लोग बस उन कुत्तों के प्रति उनके मन में कितना प्रेम है ये ढोंग दिखाते हैं, और वहीं तक उनका एनिमल प्रेम सीमित होता है। देश में अगर कहीं पर किसी कुत्ते के पैर में मोच आ जाती है तो इनका तुरंत एनिमल प्रेम जाग जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति में हम कुत्ते की भी खंडोबा के रूप में पूजा करते हैं, पर इनका एनिमल प्रेम बस वहीं तक सीमित है। दूसरी तरफ ये बीफ फेस्टिवल मनाएंगे और ऊपर से जलीकट्टू जैसी फिल्म को समर्थन करेंगे, जिसमें यह दिखाया गया है कि भाई बीफ खाने के चक्कर में कैसे आदमी जानवर बनते जा रहा है, कैसे आदिमानव जैसा बनते जा रहा है। वहां पर उनको एनिमल प्रेम के नाम पर वो जलीकट्टू का समर्थन करेंगे, पर साथ में ही बीफ फेस्टिवल का भी ये समर्थन करेंगे। ये पता नहीं कैसी हिपोक्रेसी है और क्या है, कंफ्यूज हो जाता हूँ इतनी हिपोक्रेसी को देखकर मैं। तो ये दोनों कैरेक्टर्स उस घर में जाते हैं। घर में जाते ही आपको हर जगह पर सनातन संस्कृति से जुड़े हुए कोई ना कोई प्रतीक देखने को मिलेंगे। मंदिर है जहाँ पर लाइटिंग की हुई है, मंदिर को सजाया गया है। फिल्म का जो घर का जो बड़ा व्यक्ति है जिसका नाम घनश्याम है, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, तिलक किया हुआ है और 5 वर्ष का मौन व्रत उसने लिया हुआ है। इसके अलावा जो घर की बुजुर्ग महिला है, लीला उसका नाम है, उसकी माँ है, घनश्याम की माँ है, वो ठीक से चल नहीं पाती है। जो बेटा है घनश्याम, वो अपनी माँ की बहुत सेवा करता है, रात को उसके बैठ कर पाँव दबाता है। इसके अलावा सुबह सुबह घर में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़े जाते हैं। बार 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 घनश्याम मंदिर के सामने, घर में जो छोटा सा मंदिर है उसके सामने जाकर पूजा करता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक उसको दिखाया है। मौन व्रत तो मैंने आपको बताया ही, 5 वर्ष का मौन व्रत लिया है। इसके अलावा फिल्म में एक और कैरेक्टर है भोला का, जो घर का नौकर है, खाना वगैरह वहाँ पर वो बनाता है जी, और वो घनश्याम को बड़े भैया कहता है। और फिल्म में एक विक्टिम भी दिखाई है महिला, जो प्रेरणा नाम की एक लड़की है, जो शुरुआत में हमें घनश्याम की पत्नी लगती है। जब ये दोनों जनगणना के लिए घर में जाते हैं तो वो गर्भवती होती है, पर घर में जाते ही इनको सब कुछ बिल्कुल एकदम भयानक लगने लगता है, डर लगने लगता है। हालांकि घर में भयानक कुछ था नहीं, डरावना था नहीं, पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हमें फिल्म में डराने का प्रयास करता है, हमारे मन में भय उत्पन्न करने का प्रयास करता है बैकग्राउंड म्यूजिक। अब वहाँ से तो पहले दिन वो जल्दी जल्दी भाग कर आ जाते हैं, क्योंकि भोला जो है घर का नौकर, वो ज़बरदस्ती इनको छूता है, बहुत ही एक काम वासना से ग्रसित उसको दिखाया है भोला को। तो पहले दिन ये दोनों अनुजा और नेहा वहाँ से भाग कर आ जाते हैं, पर सोचते हैं कि नहीं यार उस घर में कुछ तो गलत था। तो दोबारा ये दोनों उस घर में अकेले जाते हैं,
बिना किसी तैयारी के, बिना किसी बताए हुए किसी को, बस दोनों अकेले उस घर में चले जाते हैं, जो कि सबसे स्टूपिड डिसीजन उनका लगता है। और इसके बाद में जो भी वो करते हैं, पहली रात को जब वो अनुजा कहती कि भाई मैंने एक डेड बॉडी को देखा है सामने के शेड में, और रात को 12-1 बजे इतने अंधेरे में बारिश हुई है, और रात को वो उस रूम से बाहर निकलते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको इतना डर लग रहा है, घर में मर्डरर्स घूम रहे हैं, तो आप उस बंद कमरे में से बाहर कैसे निकलेंगे? आप तो बंद कमरे के अंदर रहना चाहेंगे। और इतनी रात को जंगल के बीच में ये बाहर जाते हैं, और सब कुछ करने के बाद में, दरवाज़ा खोलने के बाद में, चाबी वगैरह चुरा कर दरवाज़ा खोलने के बाद में, ये दरवाजे पर खड़े होकर चर्चा करती है। कौन? नेहा अनुजा से पूछती है कि क्या सच में तुमने डेड बॉडी को देखा? और फिर वो कन्फ्यूज रहते कि देखा या नहीं देखा, और फिर कहते कि चलो जाकर डेड बॉडी को देखते हैं। वाह, कितनी होशियारी, देखा आपने? मतलब दरवाज़ा खोल लिया, सामने वो जा सकते हैं, भाग सकते हैं वहाँ से, भले ही डेड बॉडी हो ना हो, भाई तुमको डर लग रहा है, भाग जाओ ना वहाँ से, परे जाते हैं उस डेड बॉडी को देखने के लिए। वाह, कितने होशियार है ना, राइटर्स की बुद्धि देख रहे हो आप, इसके राइटर्स की इतनी बचकानी राइटिंग मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इसके अलावा ये जो परिवार है, डरावना परिवार जिसे फिल्म में कहा गया है, वो खाने से पहले गौ माता को खाना खिलाता है, इतना ज़्यादा धार्मिक है, और गौ माता को खाना खाने खिलाने के बाद ही वो खाना खाता है। और इन बातों को बहुत ही किसी डिस्गस्टिंग चीज़ की तरह दिखाया है कि कितनी पिछड़ी हुई सोच, कितनी घिनौनी सोच के ये लोग हैं, गौ माता को खिलाकर फिर खाना खाते हैं, किसी बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ की तरह इसे फिल्म में दिखाया है। और इन सब बातों को, ये जो जो भी हमारी देश की संस्कृति के प्रतीक यहाँ पर इतने दिखाए हैं, गौ माता से लेकर के, मंदिर से लेकर के, भगवद्गीता के पाठ से लेकर के, गौ माता को खाना खिलाने से लेकर के, और भी बहुत सारी बातें हैं, मौन व्रत वगैरह, इन सब बातों को बहुत ही किसी डरावनी चीज़ की तरह दिखाने के लिए बाद में घनश्याम को अपनी ही बेटी का रेप करते हुए दिखाया है। जो प्रेरणा है, जो हमें उसकी पहली पत्नी लग रही थी, वो उसकी ही बेटी होती है। अपनी ही बेटी का घनश्याम रेप करता है, रेप करने के बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वो मार डालता है घनश्याम। इसके अलावा भोला जो भी लड़कियाँ उस घर में आती है उनका वो रेप करता है। इसके पहले भी, अनुजा और नेहा के पहले भी कुछ लड़कियाँ वहाँ पर आई हुई है, उनको भी उन्होंने बंदी बनाया हुआ है, और ये उनका वहाँ पर रेप करते हैं। पर दोस्तों, रियलिटी की अगर हम बात करें, रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो जिनके जीवन में कोई संयम नहीं होता, सदाचार नहीं होता, किसी प्रकार की कोई एकाग्रता नहीं होती, जिनके ऊपर माता पिता का, घर के बड़ों का, बुजुर्गों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे लोग ही स्त्री को एक भोग की वस्तु मानते हैं। खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो, जो मन में आया खाया पिया, ऐसे लोग ही स्त्री को एक भोग की वस्तु मानते हैं। पर जिनके जीवन में कोई संयम होता है, सदाचार होता है, माता पिता के संस्कार होते हैं, ऐसे लोग स्त्री को देवी का रूप मानते हैं और नारी की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। पर फिल्मों में इनको अपनी फुहड़ता भरी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, इसलिए जो लोग इस देश की संस्कृति या परंपरा की बातें करते हैं, उनको जबरदस्ती ये विलन दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो मौन व्रत रखते हैं या गौ माता की पूजा करते हैं, उनको देखकर आप डिसगस्टेड फील करें, आपको घिन आए ऐसे लोगों से जो संस्कृति की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं। इसलिए जानबूझकर फिल्मों में निगेटिव कैरेक्टर्स को ऐसे लिखा जाता है। और चलो, किसी एकाध फिल्म में आप इस प्रकार के कैरेक्टर्स लिखते तो कोई गलत भी नहीं लगता, पर हर दूसरी फिल्म में इनका विलन ऐसा ही होता है, जहाँ पर वो यज्ञ कर रहा है, या भगवान का नाम ले रहा है, या हर हर महादेव बोल रहा है, या भगवा गमछा जिसने ओढ़ा हुआ है, हर दूसरी तीसरी फिल्म में इनका यही होता है। फिल्म एक जगह पर एक डायलॉग है जहाँ पर अनुजा नेहा से कहती कि भाई इस पूरी की पूरी जनरेशन का ही दिमाग खराब हो गया है। मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो परंपराओं की संस्कृति की बात करते हैं, ऐसी ये जो पूरी जनरेशन है ना, इस पूरी जनरेशन का ही दिमाग खराब हो गया है। और इस डायलॉग से पहले वो क्या चर्चा कर रहे होते हैं कि कैसे हमारे पिता, हमारे भाई या घर के जो पुरुष होते हैं, वो कैसे महिलाओं पर, हमारे ही घर की माँ बहनों पर अत्याचार करते हैं, उनके ही घर के पुरुष और भाई उनकी ही माताओं बहनों पर कैसे अत्याचार करते हैं, ये बता रहे होते हैं। और ये कहने के बाद में वो कहती कि भाई इस पूरी की पूरी जनरेशन का ही दिमाग खराब हो गया है, पूरी जनरेशन को ये सर्टिफिकेट बांटती है फिल्म। और ऊपर से फिर अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए अगले डायलॉग में वो कहती कि भी हाँ, पर ये कोई जेंडर का बात नहीं है, ये कोई किसी जेंडर की बात नहीं है, देखो देखो वो बाहर के शेड में एक पुरुष को भी बंदी बना कर रखा है। वाह वाह, कितनी न्यूट्रल है ना फिल्म, ये बहुत न्यूट्रल है ये फिल्म। वाह दोस्तों, एक समय था, आज से 20-25 वर्ष पहले के समय को आप याद कर लीजिए, उस समय की फिल्मों को आप देखिए अभी भी,
उनमें जो फूहड़ता भरा जीवन जीते हैं, जो बाहरी रूप रंग पर ज़्यादा महत्व देते हैं, बाहरी कपड़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, बाहरी थोड़े से कुछ वेस्टर्न कपड़े पहनकर जो खुद को कूल समझते हैं, या शराब पीना, रात को देर रात तक बेवकूफ़ों की तरह पार्टियों में जाकर नाचना, ऐसे जो कैरेक्टर्स होते थे ना, उनको एक निगेटिव दिखाया जाता था। पर आज आप देख लीजिए, बिल्कुल उल्टा हो गया है। जो इस प्रकार से ड्रिंक करते हैं या इस प्रकार की फूहड़ता भरा लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको बहुत कूल और महान दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो बुजुर्ग माता पिता जिन्होंने इतने कष्ट मुसीबतें इतना सहते हुए हमें बड़ा किया है, आप उस समय को याद करिए जब हमारे ही माता पिता दादा दादी उनके पास में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, ना ही कोई शिक्षा की, ना खाने पीने की, ना किसी प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भी उनको नहीं मिलती थी। ऐसे सब समय के बीच में से उन्होंने हमें बड़ा किया। और आज यही यही जनरेशन जब बड़ी हो गई है तो अपने फिल्मों में उन्हीं बुजुर्गों को, उन्हीं पेरेंट्स को ये गालियां देते हैं कि भाई इस पूरी जनरेशन का ही दिमाग खराब हो गया है। हाँ भाई, गलती कर दी उन्होंने, उन्होंने आपको इतना प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने गलती कर दी। मैं वेलकम होम को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस क्या, फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, वायलेंस है, कोई डायरेक्टली कोई ऐसे कुछ, हाँ एक जगह पर सर फोड़ने के बाद में थोड़ा सा एक मांस दिखा दिया है, कोई सर फोड़ते हुए डायरेक्टली भी नहीं दिखाया है, ऐसा कोई वायलेंस नहीं है, पर फिर भी दूर रहिए, बच्चों को देखने जैसी तो ये फिल्म है ही नहीं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।